जय हिंद साथियों, एक बार फिर स्वागत है बेस्ट एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों सीआईएसएफ कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट को लेकर बच्चों के काफी कमेंट्स आ रहे थे कि सर बीएसएफ ट्रेडमैन का रिक्रूटमेंट आ चुका है, सीआईएसएफ में फायर कॉन्स्टेबल का रिक्रूटमेंट आ चुका है, ट्रेड्समैन का रिक्रूटमेंट कब आएगा और इस बार जो ट्रेड्समैन का जो रिक्रूटमेंट आएगा उसमें नंबर ऑफ वैकेंसी कितने रहने वाले, कितने पदों पर ये रिक्रूटमेंट आएगा, क्योंकि ट्रेड्समैन के रिक्रूटमेंट का काफी ज्यादा बच्चों का इंतजार रहता है। बच्चों काफी अच्छी वैकेंसी है क्योंकि ये ऑल ओवर इंडिया रिक्रूटमेंट रहता है और दसवीं पास वालों के लिए इस रिक्रूटमेंट में ये सुनहरा मौका है। तो बिल्कुल दोस्तों इस रिक्रूटमेंट को लेकर पूरी की पूरी अपडेट आपको इस वीडियो में डिटेल से मिलने वाली। अगर आपका भी सपना है सीआईएसएफ में भर्ती होने का ट्रेड्समैन के पद पर, तो बिल्कुल दोस्तों आप लोगों का ये इंतजार खत्म होने वाला है। तो इसको लेकर मैं पूरी की पूरी जानकारी आपको डिटेल से बताऊं। उससे पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए और सीआईएसएफ कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों बात करते हैं सीआईएसएफ कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन का जो आप लोगों का रिक्रूटमेंट आता है, वो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस आपकी सीआईएसएफ ही कंडक्ट करवाती है। इस बार के रिक्रूटमेंट की बात करें कि इस बार कितने पदों पर रिक्रूटमेंट होगा और कब तक आप लोगों को इस रिक्रूटमेंट का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको लोगों को बता देता हूं, अभी सीआईएसएफ कॉन्स्टेबल फायर का रिक्रूटमेंट का प्रोसेस चल रहा है और जल्दी रिक्रूटमेंट का प्रोसेस खत्म होने वाला। जैसे ही प्रोसेस खत्म होगा आप लोगों के लिए बच्चों ये एक अच्छा रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगा और इस बार कम से कम 1000 प्लस पदों पर ये सीआईएसएफ कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन का रिक्रूटमेंट होगा, जिसमें आपके कॉन्स्टेबल कुक है, वोटर कैरियर है, स्वीपर है, बार्बर है, इन सभी पदों पर यह रिक्रूटमेंट रहने वाला। और इस रिक्रूटमेंट में दसवीं पास वाले सभी कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी चीज तो मैं आपको लोगों को बता देता हूं, अगर आप सीआईएसएफ ट्रेड्समैन में भर्ती होंगे तो आप परमानेंट बेसिस पर भर्ती होने का मौका आप लोगों को यहां पर मिल जाता है। दूसरी चीज आती है बच्चों, यहां पर ही आपका जो रिक्रूटमेंट है इसके ऑनलाइन फॉर्म है वो दिसंबर में शुरू हो जाएंगे। दिसंबर में आप लोगों के लिए बहुत बड़े रिक्रूटमेंट आने वाले बच्चों, एसएससी जीडी की वैकेंसी आ रही है, इधर सीआईएसएफ में कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन का रिक्रूटमेंट भी आप लोगों का दिसंबर में आ जाएगा। वैकेंसी काफी अच्छी रहेगी बच्चों, अगर आप अभी से तैयारी में जुट गए हैं तो बिल्कुल बच्चों आप लोगों के पास में एक नहीं दो नहीं तीन तीन नौकरियां एक साथ होगी और तीनों का सिलेबस सेम है। आज से ही रिटर्न तैयारी में लग जाएं क्योंकि सभी का जो सिलेक्शन होता है वो रिटर्न के बेसिस पे होता है। बच्चों अगर यहां पर आप अप्लाई कर रहे हैं, मिनिमम आपकी एज बच्चे होनी चाहिए 18 साल से लेकर 23 साल। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपकी एज 18 से लेकर 26 साल तक होनी चाहिए। अगर आप एससी और एसटी कैंडिडेट हैं तो आप 18 साल से लेकर 28 साल तक आप लोगों की एज होनी चाहिए। एज की गणना बच्चों आप सभी को पता है ट्रेड्समैन के रिक्रूटमेंट में जो आपकी लास्ट डेट होती है उससे एज की गणना यहां पर की जाती है। तो दिसंबर में आप लोगों का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा, हो सकता है दिसंबर से पहले भी इस रिक्रूटमेंट को लेकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप लोगों को सीआईएसएफ की साइट पर मिल जाए। इसके साथ में आप लोगों को बता देता हूं बच्चों, अगर बच्चों आप असम राइफल की तैयारी कर रहे हैं, असम राइफल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो चक्षु पब्लिकेशन की काफी अच्छी गाइड मार्केट में आ चुकी है। काफी ज्यादा बच्चों के कमेंट्स आते हैं कि सर असम राइफल की बुक नहीं मिल रही है, तो काफी अच्छी बुक है बच्चों जो कि संपूर्णतः सिलेबस के हिसाब से इस गाइड को तैयार किया गया और पूर्णतः सिलेबस के साथ ही 2100 प्लस बहुविकल्पीय क्वेश्चन, साथ ही आपको 6 महीने का करंट अफेयर्स भी मिलने वाला है और ये असम राइफल के नवीनतम पैटर्न के आधार पर बनाई गई है। बुक का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अभी जाके आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं, साथ ही अपनी तैयारी को और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए रिक्रूटमेंट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।